नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं राहुल राजपूत। आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे प्रदेश में लगातार घट रही बेटियों की संख्या की। प्रदेश की जनगणना के आंकड़ों में घट रही बेटियों की संख्या राज्य सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन जिस तरह से बेटियों की संख्या लगातार घट रही है उससे लगता है कि बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ाए किसे। प्रदेश में भ्रूण परीक्षण के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन आरोपी कानूनी खामियों का फायदा उठाकर कुछ ही दिनों बाद फिर वही काम शुरू कर देते हैं। तो क्या इस देश का कानून कोख के कातिलों को सजा देने के लिए नाकाफी है? और जिस तरह से कोख के कातिल पनप रहे हैं उससे सवाल ये उठता है कि क्या समाज में अभी भी बेटियों को बोझ समझा जाता है? ऐसे ही कई सवाल है जिन पर हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। साथ ही जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। और बड़ी बहस की शुरुआत करें, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में बेटियों को लेकर जनगणना के आंकड़े और प्रदेश सरकार के दावों में कितना विरोधाभास है और कोख के कातिल किस तरह से प्रदेश में पनप रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार भले ही दावे करे, लेकिन जनगणना के आंकड़ों में बेटियों का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। प्रदेश में भ्रूण परीक्षण के मामलों में भी इजाफा हुआ है। अब तक भ्रूण परीक्षण करने वाले 82 मामलों का खुलासा किया जा चुका है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इतना ही नहीं, PBI थाने का गठन कर भ्रूण परीक्षण से जुड़े सभी मामलों की गहराई से तहकीकात करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मगर इन सारी कवायदों के बावजूद जनगणना के आंकड़े और राज्य सरकार के दावों के बीच का विरोधाभास चौंकाता है। अगर जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान में साल 2009-2011 में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 878 थी, जो कि साल 2013-15 में 17 अंकों की गिरावट के साथ 861 हो गई। जबकि राजस्थान सरकार के संस्थागत प्रसव के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश का सेक्स अनुपात इस समय 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का है। ये हाल तब है जबकि पिछले 5 सालों में राजस्थान में करीब 1.5 लाख बेटियों को कोख में मरने से बचाने का दावा किया जा रहा है। आंकड़ों में इस विरोधाभास पर PCPNDT और डिकॉय से जुड़े लोगों का कहना है कि जनगणना के आंकड़े सैंपल सर्वे पर आधारित हैं, जबकि राज्य सरकार के आंकड़े वास्तविक और प्रदेश में जन्म ले रहे 80-90% शिशुओं के आधार पर संस्थागत प्रसव से लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी एक अपना एक विभाग बनाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके माध्यम से भी और सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। लेकिन जो अंधविश्वास और जो समाज के अंदर जो कुरीति छुपी हुई है वो पिछले जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है उसको इतना आसानी से समाप्त नहीं किया जा पा रहा, और उसी का परिणाम है कई शिक्षा के कारण और जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं बेटियों के प्रति लोगों में स्नेह की कमी होती है वो अशिक्षा के कारण है। राजस्थान की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 के अंदर राजस्थान का जो लिंगानुपात था वो 921 था। 2011 की जो दोबारा जनगणना हुई उसके अंदर लिंगानुपात बढ़ के 928 हुआ, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जो अनुपात है वो 940 के अनुसार हमारा जो लिंगानुपात है वो काफ़ी कम है। उसके बाद में वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उन्होंने पूरे देश के अंदर 100 जिलों का चयन किया, 100 करोड़ रुपये उसके अंदर फंड डाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से एक अभियान शुरू किया और उसके अंदर राजस्थान के 10 जिलों का इसके अंदर चयन किया गया। उन चयनित 10 जिलों के अंदर भी लिंगानुपात जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उसकी बजाय वहाँ पे लिंगानुपात घटा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राज्य सरकार है वो इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील नहीं है। वहीं बूंदी में एक आरोपी को अदालत में पेश किया गया जिसके ऊपर रेप और अपहरण के मामले दर्ज हैं। पहले भी इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था लेकिन जमानत पर आरोपी बाहर हो जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बेटियों के आंकड़े कम हो रहे हैं और दूसरी ओर रेप और अपहरण के दरिंदों को जमानत मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज राजस्थान। और बड़ी बहस में इंडिया न्यूज के हम सवाल बेटियों के बचाने की सरकारी दावों में कितना दम है, क्या समाज में अभी भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है? क्या कानूनी खामियों का फायदा उठा रहे हैं
कोख के कातिल। और बड़ी बहस में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, शिलदाबाई जी जो कि बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अर्चना शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर भरतराज शर्मा जी जो कि चिकित्सक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल किशोर शर्मा जी डायरेक्टर चाइल्डलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले कमल किशोर शर्मा जी आपके पास आना चाहते हैं। केंद्र की और राज्य की ये योजना है कि लिंगानुपात बढ़े, लेकिन जो कोशिश है वो नाकाफी साबित हो रही है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जनगणना के हिसाब से कुछ और निकल के सामने आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार का कुछ और कहना है। सवाल इस बात का कि केंद्र ने अगर 100 जिलों को चयनित किया और राजस्थान के 10 जिले ऐसे जहां लिंगानुपात को लेकर पैसे भी खर्च किए गए, परिणाम नहीं आया, तो ये मान ले कि आज भी लड़कियां पैदा ना हो पाए इसकी कोशिश होती है। भ्रूण हत्या के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, भ्रूण मिलने की बात लगातार सामने आ रही है, और लिंग परीक्षण जिस तरीके से हो रहा है सब जानते हैं कहां कैसे क्या खेल चलता है। जरा आपसे जानना चाहते हैं कमल किशोर शर्मा जी, सच्चाई है क्या? देखिए कि ये जो समस्या है भ्रूण हत्या की, इसके पीछे सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हमेशा से रहे हैं, और जब तक वो कारण जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं और सांस्कृतिक बदलाव नहीं आएगा समाज में, जब तक कन्या भ्रूण हत्या को रोका नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ हमें समाज में जो जागरूकता पैदा करनी चाहिए थी सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए, और कन्या को एक इंसान के रूप में लेने का को और उसको बराबरी का हक देने का जो मुहिम और आंदोलन होना चाहिए था, उस पर कम से कम ध्यान है, कम से कम उस पर प्रचार और जागरूकता का काम नहीं हो पा रहा है। तीसरी कारण इसके पीछे जो मुझे जो लगता है वो आर्थिक खेल सबसे बड़ा लगता है। जैसे काफ़ी केसेज हुए हैं, गैंग पकड़े गए हैं, डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं, दलाल गिरफ्तार हुए हैं, करीब 82 केस अभी बताए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बड़े पैमाने पर सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि इसमें पैसे का बहुत बड़ा खेल है और लालच इन सब पर हावी है। चौथा मुझे जो लग रहा है कि हमें ग्राम स्तर पर जब तक हम जो गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ट्रैकिंग जब तक नहीं हो पाएगी, और ट्रैकिंग होगी गर्भवती महिलाओं के अनिवार्य पंजीकरण से, तब तक इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और उसके लिए जो प्रयास होने चाहिए थे सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर गंभीरता से, वो कहीं ना कहीं हमारी कमी रह रही है। आप मानते हैं ना कमी है, आप मानते हैं ना कमी है, आंकड़े में उलझा कर ना रखा जाए, वास्तविक स्थिति क्या है जरा ये जानना बहुत जरूरी है। भरतराज शर्मा जी, स्थिति क्या बनती है जब गर्भ में लड़की होती है तो परिवार की स्थिति क्या होती है? अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं, देखा भी है कई बार, सड़क किनारे, झाड़ियों किनारे भ्रूण फेंका रहता है, कई बार नवजात बच्चियां मिलती भी हैं। सवाल इस बात का है कि जिस गंभीरता के साथ स्लोगन दिया गया, जिस गंभीरता के साथ योजना चलाई गई, वो गंभीरता धरातल पर उतरती दिखती है आपको? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मुझे लगता है कि केवल सरकार के कामों से कुछ नहीं होगा, इंडिविजुअली पर्सनली लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। मेरे आसपास भी ऐसे कई एजुकेटेड वेल सेटल फैमिली है जिनकी मानसिकता भी आज भी यही है कि उनको बेटा चाहिए जी। लेकिन भरतराज जी, यहाँ आपको रोकना चाहते हैं, यहाँ आपको रोकना चाहते हैं। परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो एक चाहता होगा लड़के हो, 4 नहीं चाहते। हमारी आप सबकी फैमिली है, सब वेल एजुकेटेड हैं, सबको पता है, एक इतना भारी हो जाता है 4 पर, ये समस्या परे है। बिल्कुल सर, पर मेरी आज खुद की 2 बेटियां हैं सर, मैंने तो ऐसा नहीं सोचता, पर मैंने माना कि अपन को पूरे समाज को जागरूक करना पड़ेगा जी। समाज ही हमारे, चाहे ग्रामीण इलाके के हो चाहे शहरी इलाके हो, सब में यही चीज है, सब ये बोलते हैं स्लोगन कि हमारी बेटियां तो बेटों के बराबर है, उनको कंपेयर क्यों किया जाता है बेटों से? बेटियां ही बेटियां सब कुछ होती है आजकल, पर लोग नहीं मानते। इसमें सरकार को भी और आम नागरिक को भी योगदान देना पड़ेगा, सब कुछ सरकार के हाथ में तो नहीं होता सर। मेरा कहना, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल तो यह है कि अपन को हर इंडिविजुअल को इसमें योगदान देना पड़ेगा। नहीं, कोई केस आपके पास आया हो जरा साझा करना चाहेंगे भरतराज जी? सर मैं आपको क्या बताऊं, हमारे आसपास ही एक बंदे को पहले पकड़ा गया था, वो वापस छूटा, वो वापस को पकड़ा गया इसी डिकॉय ऑपरेशन में, तो मतलब यही कहीं ना कहीं अपनी जुडिशरी या कहीं पे प्रॉब्लम तो है कि उसको सख्त से सख्त सजा नहीं मिली,
उसको कुछ ऐसा पनिशमेंट नहीं मिला कि उसने वापस वही केस किया, वापस वो पकड़ में आ गया। जी ठीक है, शिल्दा भाई जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अर्चना शर्मा जी के पास चलते हैं। अर्चना शर्मा जी, जनगणना के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं, ऊपर से राज्य सरकार का अपना कुछ अलग कहना है, ये विरोधाभास है, और बाकी दो मेहमान जो कि किसी पार्टी से नहीं है, उनका अलग ही पेशा है, वो बहुत कुछ साफ कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे संवेदनशील स्वरूप में देखा जाता है समाज में, और बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे प्रकल्प भी चल रहे हैं जो इस चीज को स्थापित करते हैं कि बच्चों की जो भ्रूण हत्या होती है उसे रोका जाए, लेकिन समस्या अनवरत जा रही है क्योंकि समाज की जो सोच है वो तो मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाती है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाए। लेकिन ये भी एक कटु सच्चाई है कि जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं उनका दायित्व है कि सिर्फ नारे ना दें बल्कि इसकी मॉनिटरिंग करके और सुनिश्चित करें, क्योंकि सरकार के माध्यम से यदि जागरूकता होती है तो समाज में उसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित होता है। अब आप देखिए कि चाहे कोई भी सरकारें रही हो स्वतंत्रता के बाद या उससे पहले से भी, इस गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमेशा प्रयास किए गए, और अब तो डिकॉय ऑपरेशन को करवाने के लिए और जो लोग इसकी सूचना देते हैं उनके इंसेंटिव भी बढ़ाए गए। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सीमावर्ती जिले हैं राज्य के, जैसे गंगानगर हुआ जो पंजाब से सटा हुआ है, या फिर गुजरात से सटे हुए जहां जिले हैं वहां पर गुजरात से लोग आकर राजस्थान में इस तरह के काम करते हैं जी। और हमारे यहाँ के जो जिले सीमावर्ती उनमें सब चीजें बड़ी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तत्परता के साथ जारी है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि ये सिर्फ उन सोनोग्राफी मशीन से नहीं हो रही जो कि हॉस्पिटल्स में स्थापित है, अब तो चाइना की ऐसी पोर्टेबल मशीन्स भी आ गई कि चलती गाड़ी में भी आप ऐसा भ्रूण का जो जांच है उसको कर सकते हैं। लिंग जांच करने के लिए जो तत्पर रहते हैं उसे महिलाएं भी देखेंगे जो डॉक्टर्स हैं और पेशेवर डॉक्टर्स हैं। तो ये प्रवृत्ति है लालच जिसकी बात आप कर रहे थे, लालच की जो प्रवृत्ति है इंसान को प्रवृत्त करती है कि वो ये भूल जाता है कि जिसकी वो हत्या कर रहे हैं वो भी अंतोगत्वा मानव हत्या की श्रेणी में आता है जी। और भारत की जो हमारी संस्कृति वहां तो हम इन चीजों को बहुत महत्व देखते हैं, लेकिन लालच के सामने, पारिवारिक दबाव के सामने, और एक जो सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से हमारी जो कुरूतियां उनके दबाव के तहत ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही थी कि इस प्रदेश में या देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा भी दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। जिन 10 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था उसमें राजस्थान से जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी एमएलए जो है उनके खुद के जिले में यदि आंकड़े को देखे तो सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलेगा। हालांकि इसी प्रदेश में एक ऐसा जिला भी है टॉप जहां पर 100% अचीवमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि अगर सोच रखी जाए और जनता में जागरूकता लाई जाए, ऐसे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जाए तो इस पर पार नहीं पाई जा सकती। लेकिन ये भी सच है कि संस्थागत प्रसव के जितने प्रकरण है उसमें से 100% अचीवमेंट नहीं है, और रूरल एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो सैंपल सर्वे आते हैं उन्हीं के आते हैं जो रजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंटेड या इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज होती हैं, इसलिए संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है कि उन लोगों में जो अशिक्षित है वहां ये चीज सबसे ज्यादा प्रचलित। और यही कारण है कि कहीं भ्रूण पड़ा हुआ मिलता है तो कहीं नवजात बालिका को भी हम देखते हैं, शिशु को। और एक बार तो मेरे साथ खुद के साथ हुआ कि मैं उदयपुर से आ रही थी और चित्तौड़ के मोड़ पर भीड़ लगी हुई थी और एक नवजात जो बच्ची थी वो वहां पर पड़ी हुई थी। और देखिए कितना विडंबना है, यूं कह सकते हैं कि ईश्वर को भी मालूम था कि बच्ची के साथ अन्याय होगा इस सृष्टि में, तो उसकी इम्यूनिटी को उन्होंने बढ़ाकर भेजा। आपने देखा है ना कभी ट्विन्स होते हैं तो अगर एक बालक और एक बालिका, तो बालिका के बचने के चांसेस बहुत बड़ी होते हैं, उसका इम्यूनिटी लेवल बहुत बड़ा होता है। लेकिन इन सबको दरकिनार करके महिला के प्रति जो पितृसत्तात्मक संकीर्ण सोच है उसका ही परिणाम है कि हमारे देश में तरक्की के मापदंड नापने के लिए हम तैयार खड़े, लेकिन आज भी इस कुरूति के कारण हमें वैश्विक रूप पर शर्मसार होना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आप सभी चारों मेहमान बने रहिए हमारे साथ, शिल्दा भाई जी आपके पास आएंगे, सभी ने सवाल खड़े किए और इंडिया न्यूज का तो अपना सवाल है ही, जवाब चाहिए आपसे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।